आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 6 ऐसे डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन जो बिल्कुल नए नोटिफिकेशन आए हैं और यहाँ पे आपको बहुत इजीली सिलेक्शन इस बार मिल रही है। हम ना सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होनी है, एज इट इज हम सारे नोटिफिकेशन वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए, क्योंकि ये जो 5 से 6 इस बार नोटिफिकेशन आए हैं ना, इतने धमाकेदार नोटिफिकेशन है ना, आप में से कोई भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। देखिए मेल हो फीमेल हो दोनों ही, जिन कैंडिडेट की एज कम से कम 18 है अप्लाई करें। मैक्सिमम की अगर हम यहां पर बात करें आपकी 48 या 50 तक भी है, आपके लिए बेस्ट चांस है, आप अप्लाई यहां जरूर करिएगा, क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन आ रखे हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज डिटेल में समझाऊंगी हर एक नोटिफिकेशन के बारे में। एंड तक वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट पूरे इंडिया में ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके थ्रू किसी और का भला यहां पर हो पाए। देखिए अब जरूरी काम जरूर कर लेना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, ताकि आपके नियर बाय जो भी वैकेंसीज आती है उसकी इन्फॉर्मेशन में आपके लिए उसी वक्त और सबसे पहले लेके आ पाऊं। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा। इसी के साथ आपके लिए एक और गुड न्यूज है, मैंने आपके लिए बना लिया व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे, तो तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ज्वाइन और फॉलो करने के लिए, फटाफट जाके आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके ड्रीम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जिनकी तरफ से ये आया है। इस बार इजीली आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल रही है। देखिए हम हर चीज़ को एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, क्या वैकेंसीज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें, अप्लाई और सिलेक्शन कैसे होनी, ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरह से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारी नए डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट meetacademy.in, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, सीधा गूगल पे जाइए, लिख देना वहाँ पे और वेबसाइट आपको पहले नंबर पे मिलेगी, लेटेस्ट जॉब चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करें लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जो कि 5 से 6 अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के धमाकेदार जॉब अपडेट आए हैं। यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आ रखी हैं। ठीक है, हर चीज़ को ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, कौन सी पोजीशन के लिए है, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगे, सिलेक्शन कैसे होनी, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ना डिटेल में कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको सारी चीज़ें यहाँ क्लैरिटी के साथ समझ में आ पाए, तो उसके लिए कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर चल के वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करते हैं, ताकि आपको सारा कुछ ध्यान से समझ में आ पाए और पहली बार में आप अप्लाई कर पाए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, सिलेक्शन कैसे होनी, अप्लाई कैसे करना है, एज इट इज हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी नोटिफिकेशन है एक एक करके कवर करते जाएंगे। पहला एज नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस का बिल्कुल नया नोटिफिकेशन, जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। अप्लाई मोड इसके लिए ऑनलाइन है, कोई भी अदर प्रोसीजर या फिर अदर मोड अप्लाई करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई यहां कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, देखिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपकी यहां जो एप्लीकेशन की फी है दैट इज 100 रुपीज, जो आपको ऑनलाइन पे करनी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी और अदर रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, इसी के साथ साथ फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें, ठीक है, उनको यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है, यानी कि निल फी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इस बार वैकेंसीज कौन कौन सी है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, नेक्स्ट है पोस्टमैन, उसके बाद मेल गार्ड की वैकेंसीज है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और अपनी सैलरी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो आपकी सैलरी है लेवल 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। अगर हम 3 के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे वो आपकी है सेकेंड और थर्ड पोस्ट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी ओवरऑल सैलरी यहाँ पे है 21,700 से लेके 69,100 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए अगर हम यहाँ पे पहली पोस्ट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, इसके लिए आप 10th पास 12th पास ग्रेजुएट अप्लाई करें। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्टमैन की, ठीक है, इसके लिए 12th ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट यानी कि मेल गार्ड के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो इसके लिए भी इसी तरीके से है कि आप 12th ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन के अलावा बाकी चीज़ों को कवर करें, जैसे कि अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, सिलेक्शन आपको इसमें इस बार किस तरीके से मिल रही है, तो वो भी आप समझे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस्ड हो रही है यहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं वो आपको 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी अदर रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको वो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी अदर कैटेगरी से है वो आपको यहाँ चाहिए होगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज कम से कम 18, मैक्सिमम आपकी जो है वो 37 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रिलैक्सेशन आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें देखिए ओबीसी 3 साल, SST 5 साल, PWD अनरिजर्व यानी कि जनरल की बात करें उनका 10 ईयर्स का है, PWD OBC की बात करें उनका यहाँ पे 13 ईयर्स तक का है, अगर PWD SST की बात करें उनका यहाँ पे 15 साल तक का रिलैक्सेशन है, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, जो मैंने आपको यहाँ पहले भी क्लियर करा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, आपको अप्लाई इनकी ऑफिशियल साइट पे ही करना है, और इंडिया से आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज है यहाँ पे जॉब लोकेशन भी आपकी नियर बाय ही रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है आपका पहला नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन कौन सा। सो नेक्स्ट बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आज ही रिलीज करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक ने, ठीक है, जहां पे आज से ही अप्लाई शुरू है। आप यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना है, कोई भी अदर प्रोसीजर अप्लाई करने का नहीं है, ठीक है। अप्लाई भी आज से यहाँ पे शुरू हो चुका है, जॉब लोकेशन आपके नियर बाय ही आपको यहाँ मिल रही है। अगर यहाँ पे बात करें लास्ट डेट की तो यहाँ पे विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाली है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, यहाँ पे जो आपकी सैलरी है इस बार 36,000 से 78,230, ये पर मंथ के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज सैलरी यहाँ वेरी करती है, ठीक है। तो ओवरऑल सैलरी यही है। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो ये आपकी जो जॉब है ये आपकी परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर यानी कि SCO की पोजीशन की है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, उसके बाद यहाँ पे है आपकी जो एप्लीकेशन फी यहाँ एप्लीकेबल है क्योंकि परमानेंट जॉब है ना, तो यहाँ पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल OBC AWS की 750, रिजर्व कैंडिडेट की अगर हम यहाँ बात करें तो वो आपकी यहाँ पे नील है, यानी कि अनरिजर्व के लिए फी है, रिजर्व कैटेगरी वालों की कोई फी यहाँ नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, स्क्रोल डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक, देखिए ये पहला रेलवे की नई वैकेंसीज का इधर क्लिक करके चेक करना है, ये आंगनवाड़ी की नई वैकेंसीज है 2025 की, यहाँ वर्क फ्रॉम होम चेक कर सकते हैं, 8th 10th 12th ग्रेजुएट वालों की, SSC की नई वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, ये जो वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई है इसमें आपकी देखिए शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, इंटरव्यू हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें सजेस्ट, ठीक है, सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो आपकी एनीवेयर इन इंडिया, एज लिमिट मिनिमम आपकी एज पर नॉर्म्स है, ठीक है, कैटेगरी
किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम आपकी 20-21, किसी पोस्ट के लिए 42+ आपको रिलैक्सेस यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है चीज का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके अदर डिटेल्स आप अपने यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर ब्रीफ में, जैसे फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग है, सेकेंड स्टेप आपका यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड है आपकी मैरिट लिस्ट। अब यहाँ अप्लाई इन वैकेंसीज में कैसे करना है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करना, ये लिंक आपको मिलेंगे, ये पहला लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे भर्तियां जो भी इस बार आई है नई नई, ठीक है, क्योंकि अब डे बाय डे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं जहाँ पे केवीएस का भी रिलीज हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करना, लेटेस्ट वैकेंसी आप चेक करना जो इसके अलावा आ रखी है, यहाँ पे एसबीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर बात करें, वो आपका रिलीज करा है नया नोटिफिकेशन आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट ने, जहां पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, अप्लाई शुरू हो गया, विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा, मेल फीमेल दोनों यहां पर इलिजिबल है, दोनों इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की कोई फी नहीं देनी है, यानी कि आपको फ्री में अप्लाई करना है, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई यहाँ करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो सबसे पहले यहाँ जो पोस्ट है वो है आपकी आंगनवाड़ी वर्कर की, नेक्स्ट अगर यहाँ पोस्ट की बात करें वो है आपकी यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसीज, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी को डिस्कस करें तो यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन के बारे में बात करें, यहाँ शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, इंटरव्यू हो रही है, यानी कि आपकी यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग है अल्फाबेटिकली आपको सीधा इंटरव्यू पे जाना है और आपको जॉब पाना है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, कोई एग्जाम आपका यहाँ नहीं कंडक्ट करा जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाए गए हैं, तो आपका मिनिमम 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है, अगर कोई हायर एजुकेशन है वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है अपना, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको वो लेके जाना है। एज आपकी अगर मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आपकी 45 है, तो आप अप्लाई करें, ठीक है। प्लस रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ओबीसी 3 साल, एसएससी 5 साल, अदर रिजर्व कैटेगरी का अगर रिलैक्सेशन होगा वो आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, ये नोटिफिकेशन का लिंक है, ये आपका अप्लाई का लिंक है, यहाँ क्लिक करके आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, जो कि 4th नोटिफिकेशन है आपका, बिल्कुल नया रिलीज करा है रेलवे ने, ठीक है, जहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, विद इन 20 डेज अप्लाई करना है मेल फीमेल दोनों को, जॉब लोकेशन इसके लिए भी आपकी अक्रॉस इंडिया है, ठीक है। अब देखिए रेलवे के जब भी वैकेंसी आती है ना, हमेशा जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होती है, तो इसके लिए भी आपकी जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया ही है। अब यहाँ एप्लीकेशन फी को बात करें, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज फी है, ठीक है, यहाँ पे मेल की, अगर फीमेल की बात करें कोई फी नहीं है। इसी के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या कोई अदर्स, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, उनको यहाँ कोई फी नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें, सबसे पहले फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, नेक्स्ट बात करें प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, गैस कटर, COPA, मैकेनिस्ट की वैकेंसीज है, मशीनिस्ट की वैकेंसीज भी है, टर्नर की है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन वैकेंसीज में 10th+ ITI वाले अप्लाई करें, आपकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस्ड हो रही है, यानी कि कोई एग्जाम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन है सिर्फ क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शन आपकी यहाँ पे सीधा हो रही है। अब यहाँ पे बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पहला है आपको 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ITI सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, एज इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, रिलैक्सेशन अगर रिक्वायर्ड होगा या अगर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, ये नोटिफिकेशन का लिंक है, इधर क्लिक करना, ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन, नेक्स्ट आपका अप्लाई का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल नया धमाकेदार जॉब अपडेट जो आया है अभी अभी, नया नोटिफिकेशन, ठीक है, एक आपने पहले सुना होगा, एक नया अभी आया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके ड्रीम डिपार्टमेंट DRDO में, ठीक है, DRDO की जो वैकेंसीज है इसके लिए भी आज से ही अप्लाई शुरू,
ठीक है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 21 डेज आपको अप्लाई करना है, जिस दिन से नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट उन्होंने रिलीज की है उस दिन से 21 डेज के अंदर। ठीक है, वैकेंसी अलग अलग है और अलग अलग पोस्ट वाइज ही लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। अगर फी की बात करें, आपको वहाँ कोई फीस नहीं देनी है। जो वैकेंसीज यहाँ DRDO ने रिलीज करी है, यहाँ पहले भी कोई फी नहीं होती है, फ्री में ही अप्लाई आपको करना होता है। वैकेंसीज की बात करें, सबसे पहले जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि JRF की है। नेक्स्ट है आपकी रिसर्च एसोसिएट यानी कि RA की वैकेंसी। इसी के साथ साथ DRDO की एक और वैकेंसी आई है कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए। ठीक है, कंसल्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम बात करें इसमें पोस्ट वाइज आपकी क्या सैलरी जो है वो रहने वाली है और सिलेक्शन कैसे होने है, पहले देखिए जूनियर रिसर्च फेलो की बात करें, रिसर्च एसोसिएट की बात करें, इसमें आपकी 37,000 सैलरी प्लस आपको यहाँ पे HRA और मेडिकल फैसिलिटी जो भी होती है एज एन एम्प्लॉय वो आपको मिलेंगी। इसी के साथ साथ कंसल्टेंट की पोस्ट को बात करें तो उसमें आपकी जो सैलरी दे रहे हैं ये 67,000 आपको सैलरी भी मिलेगी, प्लस आपको हाउस रेंट अलाउंस DRDO प्रोवाइड करेगा जो भी एज एन एम्प्लॉय एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर या फिर जो भी होता है बेनिफिट वो आपको मिलेगा। आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो आपकी शॉर्टलिस्टिंग सीधा हो रही है, ठीक है, सीधा इंटरव्यू पे जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। इसको अप्लाई ध्यान से समझना कैसे करना है, क्योंकि सीधा शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एज आपकी अलग अलग अकॉर्डिंगली है, वो आप चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आप देख लेना। अब यहाँ पे देखिए जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए आपको ईमेल आएगा, SMS आएगा या फिर अपनी DRDO की ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने करा क्या है कि चाहे आप फर्स्ट पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए या फिर रिसर्च एसोसिएट के लिए या कंसल्टेंट के लिए, तीनों की तीनों वैकेंसीज के लिए ना इन्होंने नोटिफिकेशन PDF के साथ फॉर्म दे रखा है, डाउनलोड करना है उसको, फिल कर लेना, प्रिंट आउट निकालने के बाद बस फिल करके इनके एड्रेस पे भेज देना है। अब जो कैंडिडेट प्रोफाइल जिनकी शॉर्ट लिस्टेड होंगी उनको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। इवन ये लिस्ट भी जो है लिस्ट होती है ना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, वो DRDO की ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू पे चले जाना है। इंटरव्यू पे अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है DRDO में बहुत बड़ी बात होती है, ट्राई करना एक दिन आप पहले वहां पे पहुंच जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो नोटिफिकेशन आपको मैंने बताए हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चारों के लिए अप्लाई शुरू हो गया, एक के लिए अभी अप्लाई शुरू होना है जो पहला है। ठीक, आई होप जो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको 5 to 6 बताए हैं आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अब बात आते हैं ये जो नोटिफिकेशन PDF है, अप्लाई लिंक है, आपको कहाँ पे मिलेंगे वो भी ध्यान से समझिए। एक देखिए ध्यान से समझिए, अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ ना, दो नए नोटिफिकेशन आ गए हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। एक नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज करा है आपका रेलवे ने, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। एक आया है आपका वर्क फ्रॉम होम का, जो कि आपका Amazon की तरफ से है। ये दोनों वीडियोज भी एक एक करके हमारे इसी चैनल पर आ रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन उसी वक्त आपके पास आ पाए। अभी हमने जो नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं इनको अप्लाई करने का नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन लोकेशन कमेंट जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए मैं लेके आ पाऊं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।